यदि बिंदु एक कामा दो चार कामा वाई एक्स कामा छ और तीन कामा पांच इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं तो मान लेंगे, माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ए बी सी और डी हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख भी लीजिए इनको, माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ए एक कामा दो बी चार कामा वाई सी एक्स कामा छ तथा डी तीन कामा पांच है। यहां पर हमें शीर्ष दिए गए हैं और एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो समांतर चतुर्भुज की एक कंडीशन होती है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं आपस में मध्य बिंदु पर काटते हैं एक दूसरे, तो इसके विकर्ण हम मिलाते हैं एसी और बीडी। ठीक है, ये मान लिया बिंदु पी पर काट रहे हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक इसमें निकाल लेंगे जिससे हमारे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी और वही हमारा डिजायर्ड जो पूछा गया है क्वेश्चन में निकल आएगा। तो यहां पर बिंदु पी के निर्देशांक या मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, एसी और डीबी। ठीक है, यहां पर हो जाएगा एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर डीबी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, डीबी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हम इससे पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से देखिए क्या होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मान लिया x मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू और y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपान टू। ठीक है, तो एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एसी के लिए x1 y1 ये हो गया और x2 y2 इधर हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपान टू, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 प्लस सिक्स अपान टू बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 प्लस चार अपान दो कामा 5 प्लस वाई अपान टू। मतलब इसमें x कोऑर्डिनेट ये हो गया और y ये हो गया, x1 प्लस x2 अपान टू ये हो गया, y1 प्लस y2 अपान टू ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो इसको 1 प्लस x अपान टू और ये हो जाएगा 8 अपान टू एक ब्रैकेट में बराबर ये हो जाएगा 7 अपान टू कामा 5 प्लस y अपान टू। अब इसको तुलनात्मक रूप से निकाल लेंगे कि x इसके इक्वल कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, y इसके इक्वल कर लेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, तो इसको लिख सकते हैं अतः 1 प्लस x अपान 2 बराबर 7 अपान 2, 2 2 नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6। इसी प्रकार जैसे यहां पर किया है उसी प्रकार अब ये y का कोऑर्डिनेट है, यहां ये y कोऑर्डिनेट है, इसको इक्वल कर देंगे यानी 8 अपान 2 बराबर 5 प्लस y अपान 2, इसको इधर सॉल्व कर लेंगे तो 2 की वैल्यू कट जाएगी, 2 2 से नीचे कट जाएगा तो 8 प्लस
सॉरी यहां जाएगा 5 प्लस y इज इक्वल टू 8 या y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया और y इज इक्वल टू 3 आ गया। यहां पर इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू ही निकालने को कहा गया था, तो लिख लेंगे अतः x बराबर 6, अतः x इज इक्वल टू 6 तथा y इज इक्वल टू 3, यही आंसर हो गया इसका। क्लियर है सभी को?